Assalamualaikum. Good evening, everyone. I'm your host Natasha Ali with your favorite show Comedy Kings Naya Funda. आप लोग देखते हैं कि हमारे शो में मुख्तलिफ थीम्स चल रही होती हैं और हम अपने कॉमेडियंस को थीम्स देते हैं कि वो उन पर परफॉर्म करें और आपको हंसाएं. और आज की जो हमारी थीम है वो बहुत ही दिलचस्प है. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो वसीयत करते हैं अपने आखिरी दिनों में, जिसकी वजह से बंटवारा होता है और उस बंटवारे की वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद भी हो जाती हैं. लेकिन देखना ये है कि हमारे कॉमेडियंस आज इस थीम पर आपको हंसाते हैं या क्या करने वाले हैं आज की इस थीम पर, क्योंकि थीम बहुत मज़े की है. तो ये जानने के लिए अपना शो शुरू करते हैं जिसका नाम है कॉमेडी किंग्स नया फंडा. जी, तो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं पहली टीम को इनवाइट करती हूँ. शैतानों के शैतान हम सब के हैं वो मेहमान, और मेहमान यहाँ पर आके आपको हंसाने के लिए हैं बिल्कुल तैयार. जाने हैं कौन कहते हैं खुद को डॉन, और ये खुद को डॉन क्यों कहते हैं ये तो इनके आने के बाद पता चलेगा. तो मैं इनवाइट करने जा रही हूँ डॉन टीम से, आप सब इस्तकबाल कीजिएगा शकील सिद्दीकी, चांदपुरी एंड नैला रहमान को. इस घर के काम कर करके मर गई हूँ, कोई मेरी कदर ही नहीं करता, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी. क्या हाल है दोस्त की बीवी? दोस्त की बीवी भाभी क्यों नहीं कहते? दिल नहीं करता. क्या बकवास कर रहे हो, चाहते क्या हो आखिर? एक 15 मिनट मिल जाएंगे है? मेरा मतलब है अकलमंद को इशारा ही काफी है. क्या बकवास मत करो, समझे? तुम शादी क्यों नहीं करते? मैं हाँ, तीन तीन थी, तीन तीन थी, तीनों छोड़ के चली गई मनुस्मारियां. तब से ही मेरा नाम पड़ गया रफीक छोड़ू, रफीक छोड़ू, रफीक छोड़ू. हाँ, कैसी बातें कर रहे हो, तीन बीवियां कहाँ गई तुम्हारी? क्या बताऊँ, पहली बीवी मेरी थी मुल्तान की. हाँ, जून का महीना था, गर्मी के दिन थे. फिर मुल्तान में तो जून में ना हाँ बर्फ को पित निकल के आ जाती है. बैठ के बड़े वाले तवे पे रोटी लगा रही थी, पसीना टप टप टपक रहा था, चेहरा उसका गुलाबी हो रहा था. मुझे प्यार आया, मैंने कहा जानू आई लव यू. कहती नहीं, पहले गरम तवे में बैठ के एक रोटी खा के देखा. मैं जज्बात में आ गया, मैं तवे में बैठ गया. फिर मैं किसी महफिल में उठने बैठने के काबिल नहीं रहा. दूसरी को क्यों छोड़ा? दूसरी उससे पागल थी. उसने क्या किया? कहती नेजे पे बैठ के रोटी खा के देखा. नेजे पे बैठ के? मैं समझ गया ये मुझे अकेला देखना नहीं चाहती, मेरे दो करना चाहती है. मैंने कहा इससे पहले दो हो जाऊं क्यों सिंगल ही रह जाऊं, उसको भी छोड़ दिया. तीसरी को क्यों छोड़ा? तीसरी मलंग थी, ऐसी थी मलंग. हाँ, हर एक को देख के हंसती थी. मैं उसको बोला आई लव यू, कह रही चल पूरा मोहल्ले का मर्द मुझे आई लव यू कहते हैं. मैं टू टू कहती हूँ. ऐसी पागल थी, एक दिन काला नाग लेके आ गई. मैंने कहा ये क्या? कहती काला नाग है. मैंने कहा क्यों लाई है? कहती मेरे दोस्त से मेरी शर्त लगी है कि इस नाग में जहर है. वो कहती नहीं है, तुम इसकी पप्पी लो. हाँ, मैंने कहा अगर जहर हुआ तो मैं मर जाऊंगा. कहता मर जाओ, मैं तो 10 रुपए जीत जाऊंगी ना. 10 रुपए में मियां निकाल रही थी. तुम इतने पैसे वाले हो, तुम इतनी हुसन वाली हो, एक और शादी फड़का लो ना. क्या बताऊं, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है शादीशुदा है. मेरी तरह बिचारा है ना. बहुत चलाक है तू, तेरी जैसी लड़कियां दुल्हन की पार्टनर होती हैं, उसको समझा रही होती है. हाँ हाँ समझ गई. हाँ हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे लिए मैं शोहर तो क्या ये दुनिया छोड़ दूंगी. तुम मुझे रूखी सूखी दोगे, मैं खा के खुश रहूंगी, हंसती रहूंगी, मुस्कुराती रहोगी, मुस्कुराती रहूंगी, रूखी सूखी, रूखी सूखी. तो फिर मैं आज एक राज से पर्दा उठाता हूँ. क्या? कौन सा राज? मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं ककपति हूँ. ककपति? बल्कि दूधपति हूँ. ये सारी जायदाद मेरे छोटे भाई के नाम है. छोटे भाई के नाम है? वो दुबई में रहता, 2 अटैक हो गया उसको, हुई तीसरा पड़ा ना तो निकल जाएगा बगैर बंटवारे के. तुम्हारी जायदाद किधर गई? वो मैंने आयशी में खत्म कर दी, तीनों बीवियां खा गई ना. तुम्हारी जायदाद नहीं है? नहीं है मेरी जायदाद, वो अब मेरे भाई के नाम है. वो आ रहा बंटवारे के लिए. वो बंटवारे के लिए आ रहा? वो यहाँ आ रहा है, बस दुआ करो जल्दी बंटवारा हो जाए. खुदा ना करे तीसरा अटैक हो गया तो क्या होगा? सारा ट्रस्ट में चला जाएगा. यू ट्रस्ट मी? हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे तीसरा अटैक नहीं होने दूंगी. मेरी बात याद रखना मेरे भाई. बकवास बंद कर,
अभी तो बोल रहे थे मैं तेरे पे जान लुटा दूंगी, तेरे लिए ये कर दूंगी, रूखी सूखी खा के गुजारा करूंगी। शर्म कर शर्म, शादीशुदा लड़की पे लाइन मार रहा है। दो मिनट पहले क्या गुमशुदा थी? दो मिनट पहले भी तो शादीशुदा थी। क्या कह दिया मैंने? ऐसा क्या कह दिया तुमसे? तुम जैसी लड़कियां होती ऐसी हो। कैसी होती? शादी से पहले बोलती है रूखी सूखी खा के गुजारा करूंगी, शादी के बाद पिज्जा ला के दे, पिज्जा ला के। शादी से पहले एक कमरे में रह लूंगी, शादी के बाद 8 कमरे का मकान लेके दे मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले ही छोड़ू हो? मैं भी एक छोड़ू? इसका मतलब है मैं फारिग हो गया। फारिग ही है, निकल। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, आ प्यार कर ले। निकल निकल चल। यार बिना चैन कहाँ रे। हाय मुझे तो लगता है मेरे नसीब में पैसे ही नहीं है। लो बेगम, मैं आ गया। कौन सी नई बात है, रोज ही आ जाता है। तेरा क्या मतलब 2 हफ्ते के बाद आऊं? मेरे ऐसे नसीब कहाँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि तुम मुझे कहीं घुमाने ले जाओ। चलो फिर तैयार हो जाओ, मनोड़े चलते। मनोड़े? हाँ, वहाँ चल के समोसे पकौड़े आलू छोले हैं, बुरी सी चाय पियेंगे, उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। सारे गरीब शौर एक ही जैसे होते हैं। घुमाने ले जाऊंगा, ये जैसे बहुत बड़ी आयाशी है। मनोड़ा चलो, के माड़ी चलो, खाला के घर, फूफी के घर, ताया के घर, ये कोई जगह जाने की? पकौड़े खा लो, हलीम खा लो। इसीलिए गरीबों की बीवियां हैजे से मरती हैं। तेरा क्या मतलब है मैं तुझे स्विट्जरलैंड ले जाऊं? शक्ल देखी तूने? शिकारपुर तो ले जा नहीं सकता मुझे, स्विट्जरलैंड ले जाऊं? और तेरे पास है क्या? तेरे उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, और तेरे पास तो राशन कार्ड भी नहीं है। सबर कर। क्या सबर करूं मैं? ये जो मेरा दोस्त है ना, हाँ, जिसके घर में हम रह रहे हैं, हाँ, बड़ा मालदार है ये, इससे 7-8 लाख रुपया लूंगा और फिर हम हनीमून पे जाएंगे। 7-8 लाख नहीं, तुझे लाते भी नहीं दे सकता। क्या मतलब? कंगला है, मैंने चेक किया है। अच्छा तूने चेक कर लिया? हाँ। Very good. वो कंगला है ये, इसके पास कुछ नहीं है, ये सारी जायदाद उसके छोटे भाई की है। छोटे भाई की है? हाँ, और ना उसको 2 अटैक आ चुके, तीसरे अटैक पे अगर वो मर गया तो ये सारी जायदाद चली जाएगी किसी ट्रस्ट को। अच्छा, मैंने प्लान ये किया है कि वो अब दुबई से आ रहा बंटवारे के लिए इधर। अच्छा, मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। वाह। और इस जायदाद में अपना भी हिस्सा होगा। वेरी गुड, क्योंकि तुम लोग इस काम के मास्टर हो। हैं? तुम लोग कौन हैं? वो क्या लोग? मेरा कारोबार है ये। मैं किसी की बात कर रहा हूँ। तेरे दिन सवारना चाहती हूँ, मेरा साथ भी नहीं दे सकता। अरे भैया, तू इशारों भाई। अच्छा, हाँ भाई, मेरा भाई कहाँ? अस्तगफार, तू कौन है लांती? कौन है तू? कौन है तू? चल, कौन है तू? ये कौन है? पटाखा? कौन है पटाखा? ओए ओए बदतमीज, तमीज से बात करो। आई एम सॉरी, मुझे बाप के सामने बेटी को नहीं बोलना चाहिए था। चंदन, आई एम सॉरी, आप मुंह उधर करें। क्यों मुंह उधर करें? यार कर कर लिया। कौन हो पटाखा? अब ठीक है ना? मेरे से कतल ना हो जाइयो। कतल? कतल करेगा क्यों? ऐसा आदमी मुर्गी काटे ना, खून देख के बेहोश हो जाते हैं। कतल करेगा ये? आई एम सॉरी, ये आपके बाप है? नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी अगेन सॉरी, अपना चाचा? चाचा? आपके बड़े भाई हैं? नहीं, ये मेरे खालू हैं। ओए ओए ओए, ये मेरे कालू हैं? नहीं, ये मेरे फूफा हैं। ये मेरे चाचा हैं। कौन है वे तू? मनुष्य? ओए कौन है? ये मेरे कजन हैं। कजन है, कोई सजन तो नहीं है ना? अबे तू क्या आगे पीछे कर दिए रिश्ते सारे आके? शट अप। ये मेरे कजन हैं। ठीक है, होंगे। ओए तुम कौन हो? बहुत प्यारी हो, बिल्कुल मेरी आंखों की तरह खूबसूरत हो तुम। आपकी आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है, मेरा दिल चाहता है इसमें मैं कूद जाऊं। कूदना मत। क्यों? झील जैसी लगती है ना। हाँ। कूदना मत। क्यों? किनारे सारे टेढ़े, निकलेगी कहाँ से? जानू, आप इतने प्यारे हो। थैंक यू। मैं आप पे मर मिटी हूँ, फिदा हो गई हूँ। मुझसे प्यार करती हो? सच
सच्ची से मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पहली लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, वो ना मैं हर एक से करता हूँ। अब भुगतेगी खुद ही। क्या तू जल ताया। अबे राम से खड़ा हो जा, राम से खड़ा हो जा। तू क्या आराम से खड़ा हो जा, आईसीयू में आया हुआ है, गलगले में आया तू। ये तुम्हारे जो है ना फुफा बहुत गंदे आदमी है। नहीं फुफा नहीं है, ये है कौन? ऐसे आदमी को मैं देखा है। क्या? एक आदमी के मैयत में गए। हाँ? उसको दफनाने लगे, लोगों की मट्टी मट्टी से रोक दिया, मट्टी मत डालो, मट्टी मत डालो। उन्होंने पूछा क्यों? बोले मरने वाले को दमा है। तुम मेरी एक सेकंड, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या हो गया? उसकी हाँ में हाँ मिलानी, उसकी तारीफ करनी है। अच्छा ये वही है? जायदाद नहीं चाहिए तुम्हें, ये वही है। हाँ वटा खुसर फुसर। नहीं नहीं छोड़े आप इन्हें, बहुत अच्छे जूते से मैचिंग करके मुंह बनवाई तूने। या अल्लाह ये पैसा भी क्या चीज है, सिर्फ तेरी वजह से मैं खामोश हूँ। तुम चुप करो, छोड़े ना आप इसको। मैंने पकड़ा कब इसको? मैं पकड़ूंगा मेरे सारे हाथ कीचड़ वाले नहीं हो जाएंगे। कैसे आए आप? बता रहा हूँ ना, एक मिनट। क्या कर रहा है? बाहर जा, वो मसला नहीं है। अपना काम कितना याद है तुझे? आप कितने प्यारे हैं। आप भी बहुत प्यारी है, मुझे तीन तीन दिख रही हैं। मैं तीनों से करूंगा शादी। कोई गाना सुनाए ना रोमांटिक सा। रोमांस करूं? जी। मेरे जीवन साथी कौन प्यार किए जा जवानी दी, 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 दी। दीवानी निकल नहीं रहा है? तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये गद्दा पुराना, गद्दा पुराना मैंने नहीं बिछाना, तूने ही उठा, एक डोर खींचे दूजा दौड़ चले रे, कच्चे धागे से बंद चले। तुम्हें तो गैरत आएगी, बाप जैसे हो तुम उसके। मेरे हाथ बाप नहीं है, ये मेरा कजिन है। होगा हमें क्या। अच्छा कोई रोमांटिक बातें करें, डायलॉग बोले रोमांटिक से। आओ कहीं दूर चलें, जहां पे ना तेरा बाप हो ना तेरा भाई हो। कब्रिस्तान ले जाए इसे। अच्छा चले छोड़े ना इन बातों को। आप इतनी दूर से क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे भाई को बुलाओ। मेरे भाई को बुलाओ। बात सुन, बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात। ऐसा कर, वो पेपर निकाल और साइन ले ले। हाँ लगता है तीसरा अटैक आ गया इसको। साइन ले ले। भाई को बुलाओ। भाई को क्या कहना है? मैंने बंटवारा करना है। तुम हमें बता दो, हम उन्हें सब बता देंगे। अच्छा हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ सच्ची। आज के बाद तुम इसी घर में रहोगे, 4.5 करोड़ का घर है ये। 4.5 करोड़ तुम्हारे नाम किया। मेरा नाम? हाय तू भी अच्छा है यार, कहीं कहीं से तो तेरे लिए भी 3.5 करोड़। मेरे भाई को बोलना क्या डिफेंस वाला बंगला उसके नाम। गुड बोल। उसके तिड़वा बच्चे वहीं रहेंगे। लोगों के जुड़वा उसके तिड़वा हुए हैं। अच्छा और क्या जायदाद में? और ज्वेलरी, सोने की सारी ज्वेलरी तुम रख लेना। मैं रख लूं। और तुम मर्सिडीज गाड़ी तुम रख लेना। मैं रख लूं। जो बसें चलती हैं भाई के नाम कर देना। और तू बहुत अच्छा है, तूने इतनी बेइज्जती कराई है मुझसे, तेरे को 5 करोड़ और दिया। कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ ठीक है, 5 करोड़। खुश है? है क्या खुश है? हेलो हेलो खुश है? 5 करोड़। अच्छा चल 10 ले ले। नहीं सुनो, हेलो उठो। क्या हुआ? क्या हो गया इसे देखो। मर गया शायद है? चल यार मर गया, 2-4 बातें ही कर ले। ये मर गई, ये तो मैं हूँ। क्या ये मियाँ को बोलते हैं? ये मेरा मियाँ ही है। तुम्हारा मियाँ? मेरा मियाँ मर गया है। तेरा मियाँ मर गया? मर गया मैं तो नाचूंगा। बकवास मत करो, मेरा मियाँ मर गया, अब मैं क्या करूँगी? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? तुम दूसरा कर लो, करीब नहीं पड़ता हूँ। मेरा मियाँ ला के दो मुझे। ऐसा तो किसी का बाप भी नहीं ला के दे सकता, वो तो कंपनी फेल हो गई जिसने बनाई थी, क्योंकि पहला ही काम गलत आ गया। अब कहां से ला के दूं इतना खाला? मेरा मासूम सा मियां। मासूम है? हाँ। है
छोड़ इसको। क्यों मर गए? क्यों मर गए? क्यों मर गए? मरा रहने दे। क्यों? खुदा ना कास्ता यूं करेगा दिल पंप हुआ जिंदा हो गया फिर। क्या? अब बंटवारा क्या करना छोड़ना? बंटवारा नहीं कर रहे। अब सारी जायदाद तेरे नाम, तू मेरे नाम। ना? और क्या बंटवारा करने की जरूरत ही क्या है? क्यों? बस जो बीच का काटा था निकल गया। हम शादी कर लेंगे। हम शादी करेंगे। शादी करेंगे फिर उसके बाद मेरी भी बर्बादी होगी, तेरी आबादी होती चली जाएगी। हम फोन कर देते हैं एम्बुलेंस वालों को, इसको ना मालूम लाश समझ के उठा के ले जाएंगे। बुरी बात। क्यों? ऐसी बात नहीं करते मियां, मजाजी खुदा होता है। हाँ ये बात भी है। कितनी गंदी बात की तुमने। माफ कर दो। यहीं पड़ा रहने दो, चील कौवे खा लेंगे। नाज़रीन कैसी लगी आपको डॉन टीम की ये परफॉर्मेंस? बारी है नेक्स्ट टीम की, बट बिफोर दैट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। करण, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो पहले कौन से अवार्ड मिलते रहे हैं तुम्हें? यही मुंह लेकर घूमते रहे हो तुम, और ये कुल्ला उतार दिया करो। क्यों? लगता है तुम ताजमहल होटल का गेट खोलते हो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो कॉमेडी किंग्स नया फंडा, और बंटवारा की थीम पर परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। बारी है नेक्स्ट टीम की। बुलाते हैं उनको जो अपने एक गाने की वजह से बहुत पहचाने जाते हैं, झूलेलाल टीम। मेरा मतलब है दबंग टीम से मैं इनवाइट करती हूँ। देखते हैं कि आज की इस थीम बंटवारा पर वो क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं और आपको किस तरह से हंसाने जा रहे हैं। इस्तकबाल कीजिएगा सिकंदर सनम, वली शेख एंड कायनात चौहान। उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। आए है, क्यों इतना गुस्से में हो तुम? अरे क्यों गुस्से हूँ? उस कमीने को तो मैं देख लूंगा क्या हरकतें करता है उल्टी सीधी है। आए है, क्यों? चोर है क्या वो? अरे वो चोर, वो घटिया आदमी है, घटिया। फिल्में देख देख के उसका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा भला मैंने उसका नाम रखा मतीन, अपने आप को करण बुलवाता है। अल्लाह माफ करे, मेरा नाम मेरे बाप ने रखा था सिद्दीक, मेरे को कांचा कांचा बोलता है। अब बताओ मैं कैसे लगता हूँ? पूरे इलाके में बच्चे बोलते गंजे कांचा, गंजे कांचा। आए है, तो इसमें क्या है? मेरा नाम खालदा है, मुझे शांति बोलता है। बेड़ा गर्क कर दूंगा उसका मैं कमीने का। आए है, उसने किया क्या है? अरे क्या किया नहीं है उसने, है? अच्छा भला मैं सो रहा था, मेरे नाले में आग लगा के भाग गया। ये तो अच्छा हुआ मैं फटा नहीं। अच्छा ही हुआ वरना बदबू बहुत फैलती। हाँ ये तो, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, इंसान बन तू। अरे गुस्सा मत करो, गुस्से में नाक अंदर चली जाती तुम्हारी। हाँ, अरे वो तो मैं सांस लेता हूँ तो इसलिए अंदर चली जाती है। तेरे बच्चे ने मेरा मुंह काला करवा दिया। तो पहले कौन से गोरे थे? और बकवास ना कर, आज आने दे उसको, देख लूंगा मैं। या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर मैं ही रहूंगा। अरे बाबा झूले झूले लाल कलंदर, बोला करो। कल भी तुम चीखे थे, तुम्हारा फेफड़ा निकल के सामने वाली खाला के घर में चला गया था। करण, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो पहले कौन से अवार्ड मिलते रहे हैं तुम्हें? यही मुंह लेकर घूमते रहे हो तुम, और ये कुल्ला उतार दिया करो। क्यों? लगता है तुम ताजमहल होटल का गेट खोलते हो। आखिर बेटा तूने ऐसा क्या किया है? आई डोंट नो, अपने खसम से पूछो। क्या किया है मैंने तुम्हें बताए? इतने एक डांसर से शादी की है। तो कौन सी कायामत आ गई डांसर से शादी कर ली? तो आपने भी तो एक मानने वाली से शादी की है जो तुम्हारी गाड़ी के शीशे के पीछे भागती थी, भैया एक रुपया दे दो, भैया एक रुपया दे दो। ये इल्जाम भैया कर करके तुम मियां बन गए। बेटा वो तो मैं पहले मांगती थी, अब तो मैं शरीफ हो गई हूँ। अच्छा बेटा तूने शादी कर ली है? नहीं बस एक ही हादसा था, कुरा अंदाजी हो रही थी, मेरा नाम निकल आया, बस वाटर कूलर मुझे लेना पड़ा मम्मी। ऐसे करण
ये तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया, तुमने क्या किया मेरे साथ? ये औलाद पैदा की, देखो तो सही, बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। तूने इलाके में मुझे जलील करवा के रखा। जलील तो तुमने करवाया है मुझे। लोग मुझे ताना देते हैं कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, तेरे माँ बाप पटाखे बना रहे हैं। करण, तूने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा। क्या क्या है? ऐसा लगता है मैं पैदा ही नहीं हुआ, किसी ने चिकम खा के खींच दिए। बेटा बस बस कर, शर्म कर, शर्म। तुम शर्म करो, तुम शर्म करो। जो माल छुपाने का है तुमने मार्केट में छोड़ दिया। बेटा बस कर, ये तेरा बाप है, तमीज से बात कर। बाप तो देखो, अल्लाह माफ करे, इनकी वजह से जलील होता हूँ मैं, इनकी वजह से। क्या होता हूँ जलील? तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर में पड़े पड़े सड़ जाऊँ, मेरे में कीड़े लग जाए, एक्सपायर हो जाऊँ मैं। अच्छा बेटा, ये तो बता, लड़की का क्या नाम है, उसकी माँ का क्या नाम है, बाप का क्या नाम है? सबका नाम क्यों पूछ रही हो तुम? क्या इमदाद की रजाइयाँ बांटोगी? काहे के लिए पूछ रही सबका नाम? इसको बता, इसको बोल के। एक मिनट, गाड़ी चौथे गियर में डाल लो। इसको बोल मेरी इज्जत करा करे। बेटा इनकी इज्जत क्या करो, तुमसे बहुत प्यार करते हैं ये। क्या प्यार करते हैं मुझसे? कल मैं इनके साथ चारपाई पे सोया, मुझे लात मार के नीचे गिरा दिया। मैं बिल्ली पे गिरा, बिल्ली ने मुझे लानत दिया। शर्म कर, दूसरे की औरतों को छेड़ता है। करण बस कर, वरना मैं जहर खा लूंगी। छोड़ दो माँ, तुम हर वक्त झूठ बोलती हो, जहर खा लूंगी, जहर खा लूंगी। पहले भी तुमने दो मरतबा बोला, गाजर का सारा हलवा खा गई तुम। करण अपनी माँ से इज्जत से बात कर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ मत उठाना अब्बू। क्यों? तुम्हारी बगल फटी हुई है। बस बस बस, रक्षा रक्षा रक्षा। अब इस घर का बंटवारा होगा। बंटवारा का कहने वाले हाफिज खुदा तुम्हारा मस्ता चलाने वाले। क्या बंटवारा होगा? नहीं नहीं नहीं, बंटवारा होगा। चली जाओ तुम यहाँ से, मैं बंटवारा करूंगा। चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ, मैं बंटवारा करके रहूंगा। ओए करो, ओए करो बंटवारा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बंटवारा करो। देखता हूँ मैं कैसे नहीं तुम मानता। इस घर के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा तेरा होगा और एक मेरा। ये देख ले ओए, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा तुम्हारा। अब इधर कदम मत रखना, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अगर आपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं तो मैं भी रिश्ता खत्म करता हूँ। आज से तुम मेरे बाप नहीं, मेरे मामू हो बस। अब तुम्हें पता चलेगा जब तुम सुबह सुबह खेत में जाओगे और कौवे तुम्हारे सर में चोंचे मारेंगे। खेत में क्यों? इसलिए कि बाथरूम मेरे हिस्से में है। कोई बात नहीं, बाथरूम तेरे हिस्से में है तो क्या हुआ? मेरे पास लोटा है। लोटा है तो अपने पास लोटा रखो। आज से मैं अंग्रेज हूँ, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करूंगा। कागजी कार्रवाई। अबे ओ, अब इधर कदम रखा ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। और तुमने अगर इधर कदम रखा तो मैं मलाई लगा के कुत्ते छोड़ दूंगा। यू अंडरस्टैंड? अबे चल। ओके, समथिंग रॉन्ग, प्लीज। मैं अपनी वाइफ को बुला रहा हूँ। अगर तुमने बुरी नजर से उसकी तरफ देखा तो तुम्हारे नाक के नथनों में उंगलियां घुसेड़ दूंगा मैं। कोई बात नहीं, मैं उसको आंखें धो के देख लूंगा। ओके बुलाओ डार्लिंग। चांदनी, चांदनी। हेलो जानू। अरे डार्लिंग, तो देखो शबे बरात में जलने वाली फुलझड़ी। डार्लिंग ये कौन है? आतंकवादी है जिसने औलाद का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा डार्लिंग, तो मुझे ये बताओ कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? सखी हसन के कब्रिस्तान में। जानू, कब्रिस्तान? वहाँ क्या होता है? वहाँ ऐसे आदमी चादर ओढ़ के हीरोइन पीते हैं। शट अप, यू शट अप। कब्रों पे से अगरबत्तियां उतार के बेचने वाली कौम। ए लड़की, ए लड़की, तूने कभी आस्तीन का सांप देखा है? नहीं। ये देख ले। कभी खारिश वाली कुत्ती देखी है? नहीं। ये देख ले। कभी गधों का हेडमास्टर देखा है? नहीं। ये देख ले। हो गई मेरी बेइज्जती। हाँ जी, अब तुम्हारी बारी है। यस। कभी चुड़ैलों का जमादार देखा है? नहीं। ये देख ले। कभी जापानी खुसरा देखा है? नहीं। ये देख ले। कभी बारात में चलने वाला बम देखा है? नहीं। ये देख ले। कभी पाकिस्तान का गद्दार देखा है? नहीं। ये देख ले। अबे ओ तमीज से, बंटवारा हुआ है, तेरा बाप इधर नहीं हुआ है। डार्लिंग छोड़ो ना, ये बता तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हाँ, माँ बाप, मम्मी तो गई, में जरा बराबर में सालगिरह हो रही वहाँ पर। और अब्बा, दहशतगर्दों ने मार दिया उसे। नहीं नहीं, मैं हूँ इसका बाप। क्या डार्लिंग, ये तुम्हारे बाप है? ये बोल रहा है भाई, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या करोगे अब तुम लोग? क्या करेंगे, जश्न मनाएंगे हम लोग।
जश्न मनाएंगे, अब हम आजाद हैं। तुम भी खुश, मैं भी खुश, आओ खुशियां मनाते हैं और यहूदी को जलाते हैं। अबे ये हमारा घर है, ये नाच गाना नहीं करो। देखो यार, डांसर बीवी है, हम यहाँ पर नाचेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बगैर डूब के मर जाए, इसकी कमाई खाएगा। मैं तो डूब ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि फट्टी कभी डूबती नहीं है। डांस होगा, गाने होंगे यहाँ पे। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फूल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो केंदी ए सनाई। आया लाड़िए, आया लाड़िए, आया लाड़िए नी मेरा सिरियां वाला। जी नाजरीन, कैसी लगी आपको दबंग टीम की ये परफॉर्मेंस? बारी है नेक्स्ट टीम की, और नेक्स्ट टीम है बड़े मियां छोटे मियां। बट बिफोर दैट वी विल टेक अ शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हमें कबूल कर ले अब्बा हुजूर। कैसे कबूल कर ले? कैसे कबूल कर ले? अब्बा भी कह रही हो, ऑफर भी कर रही हो। अब्बा Welcome back. आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो कॉमेडी किंग्स नया फंडा, और बंटवारा की थीम पर परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। बारी है नेक्स्ट टीम की। बंटवारे की थीम को आगे लेके चलते हैं और बुलाते हैं उनको जो हंसी से हसीन हैं और मुस्कुराहटों से भी ज्यादा नमकीन हैं। इस्तकबाल कीजिएगा शकील शाह, जाकिर मस्ताना एंड सनम खान। हमने 25-30 साल फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है, राज ऐसा राज किया कि चारों तरफ से नन्ना नन्ना की आवाज आना शुरू हो गई। और ये हमारा बेटा मनोज कुमार बना फिरता है, कहता है कि मैं बाप पर राज करूंगा। अगर इसने हमारी बात ना मानी तो ये जायदाद, ये जमीन सबकी सब हम लीलाम कर देंगे और उसे टका नहीं देंगे हम। हमारा नाम भी नन्ना है, नन्ना। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ पहला आदमी देखा जो अपने मुंह पे खुद ही लानत दे रहा है। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, आप मुंह क्यों छुपा रहे? आप हमारे काने हैं या आपने हमसे कर्जा लिया हुआ है? गले में हार डालकर आए हो, 48 घंटे साइकिल चलाई है या पहला रोजा रखा है? क्या बात कर रहे हैं अब्बा हुजूर, आते ही जुकते मारना शुरू कर दी, लोग समझेंगे हम भाड़ मिरासी। अरे क्या समझेंगे लोग, तुम्हें तो अपना नहीं पता कि तुम्हारा खानदान क्या है। सब पता है, पहले हम राजपूत होते थे, फिर हालात अच्छे हुए शेख हो गए, और आजकल हम लोग, मुझे पता है, कुंजड़े चल रहे हैं। बात सुनो, ये हाँ आजकल हम क्या सुन रहे हैं? आप शीला की जवानी और मुन्ने की बदनामी सुन रहे हैं, वही चल रहा है आजकल। हम तंग आ गए हैं तुमसे। हम क्या पजामा है जो तंग हो गए हैं? बात सुन लो, अगर अगर तुमने हमारी बात मानने से इनकार किया तो ये दौलत, ये जायदाद, ये घर हम बेच देंगे, बेच देंगे। ये कसम धरती माँ की, आप ऐसा नहीं कर सकते अब्बा हुजूर। आप ये दौलत, ये घर, ये जायदाद नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। क्यों? आप ये जायदाद बेचेंगे तो ARY वाले आपको बहुत मारेंगे। अब्बा हुजूर, हमने क्या सुना है? क्या सुनते ही रहते हैं, कुछ देख भी लिया करें अब्बा। तुम शादी कर रहे हो? हम शादी कर नहीं रहे, हम शादी कर चुके हैं। ये हार मैं बकरे के गले से नहीं उतार के लाया। शादी कर चुके हो? हाँ। नहीं नहीं, अबे बेहोश नहीं हुई है, चल 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 चल।
हर फिल्म में देखता हूँ तेरी ये एक्टिंग होती है। सीरियल में नहीं नहीं ये नहीं करियो, हाँ हाँ ये नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं पिताजी? किससे शादी की है तुमने? मैंने अब्दुल गफार से की है। अरे लड़की से की है पिताजी। अब्बा जी क्या नाम है उस लड़की का? शबनम है, है? शबनम आप जानते हैं उसे? पहले हम भी उसके चक्कर में थे। झूठ मत बोले, आप जिसके चक्कर में थे उसका नाम नाजिली है। हाँ। लाओ उसे, किससे शादी की है तुमने? मैं बुलाता हूँ, आओ शबनम। चिट्ठी जरा सैयद जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैयद जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी, बीबी शिरीनी जड़ गुले रवान देवा। खामोश मनोज कुमार। पता नहीं चलता अब मैं मनोज कुमार हूँ शायद हूँ या बस काम करो, आप शुरू करो। आते ही नाचना गाना शुरू कर दिया। एक नाचने गाने वाली हमारे घर की बहू बन सकती है? मैं बन सकती है? ये नहीं करी, हाँ ये नहीं करी अब्बा। हाँ मुझे पता बहुत ठरकी आदमी है, मुझे सब पता है। रात को उठ के केबल पे कौन कौन सा चैनल देखते सब पता है मुझे। ये नहीं करो अब्बा, अब देख क्या रहे हो, फौरन चौथा गेट लगाओ। चलो अब्बा जी। लेकिन हम इसे बहुत तसल्ली नहीं करते। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, आपके हाथ इतने सख्त क्यों हैं? क्या पहले आप वेल्डिंग किया करते थे? ये तूने बताया इसे? नहीं, किताब किताबें आई हुई मार्केट में। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हमें कबूल कर ले। अब्बा हुजूर कैसे कबूल कर ले? कैसे कबूल कर ले? अब्बा भी कह रही हो, ऑफर भी कर रही हो। अब्बा मनोज क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर की बहू है ये अब्बा। मैं पहले ही कहता रात को उठ उठ के पानी पीने के बहाने केबिल का। हम तंग आ गए तुम्हारी खुशी की खातिर, लेकिन बात सुनो, हम इसे चंद सवाल अकेले में करना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ और दो हफ्ते के बाद आना। अब इतनी चरान नहीं हो रही यहाँ पे बाबू, ये नहीं समझे इतना बावला नहीं हूँ। हाँ हाँ जो पूछना मेरे सामने पूछो, यहीं पे। लड़की वो दमे की मरीज है, वो दमे की मरीज। तुम जानती हो लड़की कि ये शादी कितना नाजुक बंधन होता है? हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं अब्बा हुजूर, हमसे ज्यादा और कौन जानेगा, क्योंकि ये हमारी तीसरी शादी है। इसका मतलब है रिकंडीशन? मैं पहले ही कह रहा था ये लड़की को कारीगर है। कारीगर है अब्बा, तुमने उससे फर्नीचर पॉलिश करवाना? ये पॉलिश कर लेती है, ये तो मालिश भी कर लेती है। ओ अज मालिश कराई जा चुप करके, ओ अज मालिश कराई जा चुप करके, जे मजा मालिश दा लेड़ाई सिटे तेल तू पाई जा चुप करके, ओ अज मालिश कराई जा चुप करके। खामोश, कोई फड़कता हुआ गाना सुनाओ। तुझे करते करते मालिश हुई मेरी उम्र बीत जाए, तुझे मौत भी जो आए मेरे बाजुओं में आए। बकवास बंद करो मनोज, एक बात बताओ लड़की जी। हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम में घर बसाने का कितना टैलेंट है। हम में बहुत टैलेंट है अब्बा हुजूर, हम में इतना टैलेंट है घर बसाने का कि ये सुबह हमें दाल पकाने के लिए पैसे देके जाएंगे, और जब ये शाम में वापस आएंगे तो इन्हें मुर्गी पकी हुई मिलेगी अब्बा हुजूर। ये टैलेंट नहीं, ये तो खुली बेगैरती है। पता नहीं हमारा दिल क्यों गवाही दे रहा है, इसका मेरा खानदान
दोनों गैरतमंद हैं, लेकिन हमें शक है कि तुमने शादी की है तो सिर्फ जायदाद की खातिर। खुदा रे अब्बा हुजूर, ऐसा ना कहें, आपके पास तो कुछ जायदाद नहीं। अब हम आ गए हैं ना, अब आपकी जायदाद डबल हो जाएगी अब्बा हुजूर। वाह वाह, मुझे पता नहीं चल रहा मैं बेगैरत होता जा रहा हूँ। क्या हमारा मतलब है, हमारे अब्बा के पास आपसे ज्यादा जायदाद है अब्बा हुजूर। वो सब हम आपके नाम लिख देंगे। अच्छा, हम कोई लालची आदमी नहीं है। शाबाश, समझ गई, हमें ये रिश्ता, ये शादी मंजूर है। ओए ओ पांडे, कली करा लो, पुराने नवे बढ़ा लो, 5 रुपए में बड़े छोटे चाहे लोटे चाहे करते चाहे चमचे चाहे कड़वे। आ गया हाँ सीधा कलीगर, आ गया हाँ सीधा कलीगर, आ गया हाँ सीधा कलीगर। जी नाज़रीन, कैसी थी ये परफॉर्मेंस? बारी है नेक्स्ट टीम की, बट बिफोर दैट वी विल टेक अ शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। जो तनख्वाह आप दे देना उसमें सिर्फ बाइक ही चल सकती है, घर नहीं चल सकता। घर नहीं चल सकता, तुमने भी तो मियां देख के किया नहीं ना, एक अच्छा वाला आदमी घर में घूम रहे, तुम्हारा ध्यान नहीं पड़ा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो कॉमेडी किंग्स नया फंडा, और बंटवारा की थीम पर परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। बारी है नेक्स्ट टीम की। मैं महसूस कर सकती हूं कि आप लोग आज की परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और आप सबकी मुस्कुराहटें हम सबको बहुत अजीज़ हैं। तो इन्हीं मुस्कुराहटों को कंटिन्यू करते हैं और धूम टीम से मैं इन्वाइट करती हूं, इस्तकबाल कीजिएगा परवेज सिद्दीकी, सफदर हैदर एंड नेहा लाज। क्या मसला, क्या क्या हो गया, मसला क्या? एक मिनट बात तो सुन लो यार, मेरी मेरी बात तो सुन लो, एक मिनट, एक मिनट। सीधा खड़ा, सीधे ही खड़ा हूँ, सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो रही हूँ, ये लो सीधा खड़ा, सीधा हो रही हूँ मैं, सीधा खड़ा, सीधा ही तो हो रही हूँ, धोने तो दो टाइम लगता है, ये लो सीधा खड़ा। क्या हो गया, क्यों मारे मुझे? मार रहे हो? अबे इंसान का बच्चा बंद नहीं, मैं तुम्हारा बच्चा ठीक हूँ। इंसान के बच्चे बंद हो? इंसान के ही बच्चा हूँ मैं, क्या कर दिया मैंने? मेरे माँ बाप ने हमेशा ना इंसाफी की है, तेरे साथ सही किया है, अन्याय किया है मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ? ये देखो, अल्लाह माफ करे, तुम इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे, और मेरा देखो औलाद का बेड़ा गर्क कर दिया माँ बाप है, तू इतना सांडा और मैं इस किस्म का, मुझे लगता है कि तरबूज बहुत खाते थे तेरे जमाने में अम्मी। पैसा था तेरे वक्त, फाके चल लेते, मैं क्या करूँ? फाके चल लेते, सीधे खड़े हो जाओ। सीधे ही खड़ा हूँ, किस बात में गुस्से हो रहे हो मुझ पे? सुना तू शराब पीता है? ए, इंक्वायरी कर रहे हो या ऑफर? इंक्वायरी कर रहे हो तो नहीं, ऑफर कर रहे हो तो हाँ। ए, क्या हो, क्या हो, क्या क्या? आराम से खड़े हो? आराम से ही खड़ा हो, उल्टी सीधी बातें करो, तू पागल तो नहीं है? मैं अकेला पागल दिख रही हूँ, पूरी दुनिया पागल है। उस दिन तुम बैठे हुए फिल्म देख रहे थे टीवी के ऊपर, इमरान हाशमी अपनी हरकतें कर रही है, उसको नहीं मारा, मुझे मारना शुरू कर दिया। पागल तुम हुए कि मैं हुआ? पागल मैं हुआ या तुम हुए? अबे ओ, एक बात बता। क्या बता? एक बात बता, ये गंदी गंदी गालियां क्यों देता तू? गालियां होती गंदी है? मैं नहीं देता, निकल जाती है मुझे। अगर अच्छी गालियां होती तो तुम जिद नहीं करते 5-6 मेरे लिए लेके आना। भाई अच्छी इम्पोर्टेड गालियां आ रही हैं, वो दादा को भी भेज दो। गालियां होती गंदी है? गालियां गंदी होती हैं। हाँ? देखो, तू अगर पैदा नहीं होता ना, मेरे 3-4 बहन भाई और हो जाने थे। क्यों नहीं होता? मैंने तुम्हारे अब्बा को कोई फेस्ट किया था कि मुझे यहाँ पैदा करो? अबे अब्बा क्या, तेरे भी अब्बा वही है बे? तेरे भी अब्बा वही है? हाँ। मेरे भी वही है? हाँ। एक आदमी के 2 बच्चे कैसे हुए? नहीं पूछ रही हूँ मैं। इंसान के बच्चे बन जाओ सीधे तरह। तुमने हरकत क्या की है? क्या हरकत कर दी मैंने? तू मेरा बड़ा भाई है ना, इसलिए मैं इज्जत से तेरे से बात करता हूँ बे। ये कौन सी इज्जत है बे? क्या हुआ, बे नहीं आ रही? सबक का ही है अली बे। पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, तो बे लाऊंगा। पढ़ा लिखा आदमी हूँ? तुमने चौधरी साहब के लोटे में निहारी क्यों डाली? चौधरी साहब का खुद का दिमाग खराब है? आपने मुझे भेजा जाके निहारी दे के आ जा, मैं गया, चौधरी साहब बैठे हुए थे पलंग पे, मैंने कहा भाई निहारी ले लो, कहने का बर्तन में डाल दो, पता ही नहीं चल रहा मुझे कि किचन कौन सा, बाथरूम कौन सा, मैंने डाल के आ गया। तो मेरी शर्म आनी चाहिए, 10 साल हो गए शादी को। हाँ हाँ, कोई खुशी नहीं आ रही, लड्डू नहीं बट रहे,
जमशेद को देखो मेरे दोस्त को। हाँ। उनकी बीवी ना उनकी वाइफ है। हाँ। वो तो पहले तो खुशियां लेके आई थी, जब आए भाई बड़ी खुशी हो रही भाभी आई है, तुम्हारे तो खुशी नहीं हो रही। वे इंसान का बच्चा बच्चा बावले सीधे खड़े हो जाओ। जमशेद को नहीं जानते हो जो पहले रामदास था? हाँ, उसको मुसलमान कर दिया ना मैंने। और तूने वो चौधरी साहब की लड़की के क्या क्या किया उसके साथ? किसके साथ? चौधरी साहब की लड़की के साथ जो उनकी बेटी है। हाँ। अल्लाह माफ करे भाई, मैं तो उनके कमरे में गया था बच्ची के। हाँ। मैं गया कमरे में, वो कम सुनती है ना, तो मैंने बात करनी थी, मैं मुंह करीब लेके गया हूँ, उसकी चीख निकल गई। चौधरी साहब समझे कोई और चीख है, कोई भाई और? उनकी समझ, उनकी समझ गंदी है, मैं क्या करूँ? उनकी समझ गंदी है। और तुमने मेरे साथ क्या किया? वो पजामा कुर्ता मुझे दिया था दिवाली पे, वो तो तोहफा दिया था मैंने आपको, मेरी तारीफ करो। बहुत अच्छा तोहफा दिया था। क्यों है? तुमने उस बनिए से इंस्टॉलमेंट पे तोहफा दिलवाया मुझे। मैं पजामा कुर्ता पहन के जा रहा था, वो पहली किस्त लेने आ गया, मैंने कहा हाथ ऊपर करे, मैंने हाथ ऊपर किया, उसने नाड़ा खींच लिया। अबे पूरा दिन मंदिर के पीछे मैं पजामा पकड़ के यूं खड़ा हुआ, मुझे लोग कह रहे हैं आगे घंटा तो बजा दो, मैंने कहा जिस पोजीशन में घंटा नहीं बजा सकता भाई। अबे लोग आके मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मैं यूं खड़ा हुआ। तोहफा दिया तो था ही मैंने, तोहफा दिया था ये, तूने इंस्टॉलमेंट पे पजामे ला के दे रहा है। एक मिनट अपनी बीवी को समझा रहे, मैं बोल रही हूं। बीवी को क्या समझा लो, आराम से खड़ा रहे, आराम से खड़ा रहे। क्या हो गया, क्यों मारे इसे? जानी क्या क्या भाभी है तेरी? भाभी जानी बोल रही हूं, माँ की जगह है। मैं कब, ये माँ की जगह है, इधर हो जाओ। ये माँ की जगह मेरी, बे भाभी है तेरी। मैं कब बोली हूँ चाचा है मेरा। सीधे खड़े हो जाओ। सीधे ही खड़ा हुआ हूँ। और क्या हाल है यार? किसको कह रहा है? तुम्हें बोल रही हूँ। हाँ सही है, ठीक हूँ। आजकल बड़ी अच्छी है, तुमने फराक पहना हुआ जानी? तुम्हें बोल रही हूँ। अब मैंने कौन सा फराक पहना हुआ है? तो चलो उन्होंने तो पहना हुआ है, बोल तो तुमको रही हूँ। बड़ी प्यारी लग रही हो, है? तुमको हाँ? बोल रही हूँ। प्यारी लग रही नहीं हूँ, लग रहा हूँ। तुम्हारे पे आ रहे हैं ना, स्लिप होकर जा रहे हैं वहां पे। मैं तो बोल रही हूँ। सीधे खड़े हो जाओ। सीधा खड़ा हो, क्या हो गया? इनको समझाओ, मुझे हमेशा जब भी घर में होता हूँ ना अकेले, जब आप काम पे चले जाते हैं ना आप, हाँ। तो ना ये घर के अंदर ना अकेली होती है ना, हाँ। तो ना ये मुझे बोलनी है ना बात सुनो, और ये ना सब्जी वाले को ना आवाजें देती है, कितनी गंदी बात है सब्जी वाले को बोलना, ओ सब्जी वाले। मैंने समझा, मैंने तो ऐसे शरीफ औरतें नहीं करती, तुम खाली इतना निकल के बोलो सुनो, ये सब मुझे मानने लगे मुझे। अबे जो काम इसको नहीं आता हो तू सिखा दे। नहीं मैं तो फिल्मों से सीख रही हूँ ना, फिल्मों में आ रही है ना आजकल, फिल्मों से सीख रहा हूँ। सीधे खड़े हो जाओ। ये देखो उस दिन हम लोग जा रहे थे ना बाजार में, हाँ। भूल गई पता, हमको गाड़ी नहीं मिल रही थी, हाँ। हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हुए, अच्छा। मैंने बोला खड़े हुए अच्छा नहीं लगता, हाँ। किसी को भी मोटरसाइकिल पे आते कि तुम निकल जाओ, मैं किसी साथ निकल जाऊंगा। समझ नहीं रही क्या बच्चे? एक बात बताओ, तुमने साइकिल के पीछे क्या बोर्ड लिखवाया हुआ है? आपने क्या लिखवाया हुआ मोटरसाइकिल के पीछे? क्या लिखवाया हुआ है? तुमने लिखवाया, बस छेड़ी जा देखना नहीं। किसको छेड़ी जा देखना नहीं? भाभी को ले आते हो बिठा के। अरे ये झगड़ा बस कर दो, तुम लोग की रोज रोज की लड़ाई से मैं तंग आ गई हूँ। तंग तो तुम वैसे भी आई भी हो। अरे देखो इतनी टेंशन है इसके, गंजी थी बाल बढ़ गए इसके। मैं कहाँ से गंजी थी, सही थी? गंजी नहीं थी तुम, गंजी। अच्छा मैं तुम्हारी शक्ल का एक आदमी घूम रही है, मैं समझ रहा हूँ वही है शायद। बहुत अच्छा, ये गंजी हो, मैं मोहल्ले में जा रहा हूँ, लोग कह रहे वो जा रहे टकली का मियाँ। इनको समझाएं हर बात। इनको क्या समझाओ? इनको समझाओ जो तुम खर्चा तुम देते हो ना इनको, हाँ। जितने खर्चे तुम देके जा रहे हो, हाँ। उसमें घर नहीं चलता, फिर उसमें तो सिर्फ मोटरसाइकिल चल सकता है, एक लीटर पेट्रोल। ये तो पता है कैसे सब्जियां लेती है, मुझे पता है कैसे लेती है, ऐसे ला दे। जो तनख्वाह आप दे देना उसमें सिर्फ बाइक ही चल सकती है, घर नहीं चल सकता। तुमने भी तो मियाँ देख के किया नहीं ना, एक अच्छा वाला आदमी घर में घूम रहे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं पड़ा। क्या हो गया? बड़ा भाई हूँ तेरा। बड़ा भाई हूँ तो पहले हो गया, मेरा क्या कसूर है, वरना मैं होता है? पहले हो गया? हाँ, अम्मी की शादी 5-6 साल पहले हो जाती, मैं नहीं होता। ये जब पैदा हुआ है, मैं पैदा हुआ हूँ, हाँ। मुझे पता ही नहीं, मैं तो समझ रही हूँ मैं ऐसे घूम रही हूँ। अबे बाकायदा लोग पैदा होते हैं दुनिया में, तशरीफ लाते हैं। पाकिस्तान में? दुनिया में। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ भाई, यहाँ होते हैं। ए, कौन है तू? इतना कम वक्त मारा है, मैं सच बता रहा हूँ, तुम इसके ना सर्फ बना के इसके नाफ में डालो, बुलबुले छोड़ेगा ये। इतना टेक्निकल बच्चा है ये। टेक्निकल बच्चा? आराम से खड़े हो जाओ, बता रही हूँ। ये तुम्हारी है कौन? ये कौन है? हाँ मेरी बीवी, तुम्हारी भाभी। एक औरत के दो रिश्ते कैसे हो गए? मतलब ये दोगली औरत है? क्या क्या हो गया?
अबे भाई तेरी भाभी मेरी बीवी, ये क्या बात है? हम दोनों भाई हैं ना। हाँ। अम्मी हमारी तेरी भी अम्मी है। हाँ। मेरे अब्बू तेरे भी अब्बू हैं। हाँ। तो ये फिर कैसे तेरी बीवी और मेरी भाभी कैसे हो गई? रिश्ते इकट्ठे एक साथ क्यों नहीं आ रहे भाई? इसके माँ बाप अलग हैं, मेरे हमारे तुम्हारे माँ बाप अलग हैं। वही तो बोल रही हूँ, सात फेरे लगा के लेके आया हूँ घर। ये कहाँ रहती है? लाहौर में। हाँ। तू यहाँ? हाँ। मिले कैसे? रिश्ता हुआ था। किससे? इससे। तो फिर मिले कैसे? हाँ। इनकी अम्मी हमारे घर आई। अच्छा, कब आई? मैंने तो देखी भी नहीं। अच्छी है क्या? इंसान का बच्चा बन, सीधा खड़ा हो जा। मुझे तंग नहीं करना, बता रही हूँ मैं। क्या अच्छा बोला? एक्टर आदमी हूँ मैं। एक्टर आदमी तो एक्टिंग छोड़ क्यों नहीं देता तू? छोड़ दो, स्टूडियो में जाता हूँ मैं। ओहो, मैं तंग आ गई तुम लोगों के रोज रोज के झगड़ों से। मुझे बंटवारा चाहिए। क्या चाहिए? बंटवारा चाहिए। किस कंपनी का? सर्विस का? अरे जायदाद का बंटवारा चाहिए। सही बात है, मैं तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। नहीं रहना मुझे तेरे साथ। नहीं रहना? इस घर का हिस्सा होगा। मेरे साथ नहीं रहना? हाँ, बीच में से चलो। नहीं रह जाओ, हम दोनों रह लेंगे। जाओ, चीजें लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। माँ ने तुझे अकेले को नहीं दिया था? क्या नहीं दिया था? ये जो पूरी जायदाद है ना, इसमें हिस्सा होगा। ये बीच में एक लकीर लगेगी, कॉमेडी तेरी, किंग मेरा। बीच में क्या लगेगी? लकीर होगी। और नो बोलोगी तो तेरा बाप जमींदार है। ये लकीर हमारी आपस की सेपरेशन की होगी। घर आधा आधा करना, सेपरेट करेंगे। बहुत मुझे खुशी हुई। अच्छा भाई, अपना हर्जा आ जा, ये डब्बा मेरे दे दे मुझे, मेरा बक्सा मेरा। ये इसमें जायदाद है। हाँ, खजाना। अभी ये भी लेते हैं। साबा कर जा, एक मिनट। ये क्या? ये क्या कर रहा है? पानी दे रही है जगह को। देख रही है क्या कर रहा हूँ? ज्यादा पियो, कहाँ तक रखना है? ये ले, ये बस, ये हिस्सा हो गया तुम्हारा। इस तरफ कभी नहीं आई हो, तुम्हारे लिए पाबंदी नहीं है। ये ले, यही चाह रहे हो ना तुम लोग? ये ले, ये ले, ये सब चीजें अलग अलग होंगी, मैं नहीं रह सक रही हूँ तुम्हारे साथ। ये ले, ये तुम्हारा। ये ले, अभी और चीजें भी आएंगी, तुम खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे तुम लोग। तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। किन्नू देगा? किन्नू? तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। ये लो, छिलके तेरे ही है मेरा। ये मोटा सब कुछ खा जाएगा, हमें कुछ नहीं देगा। तमीज से बात करना, मोटा उठा ना बोलो, अच्छा आदमी। ये लो, ये लो। नहीं भाई, मैं नहीं चाहता, माँ को ऊपर जवाब देना। भैया ये ले, ये तेरा। मैंने पहले कहा था सब खा जाएगा। लो भाई, मजा आ गया। मैं जा रही हूँ अब। क्या ये कपड़े? ये मारे तेरे लिए रखे थे। ये ले। हाँ। ये ले, ये कमीज मेरी है। हाँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ। आधी आधी होगी भैया, आधी होगी, कोई बात नहीं। ये ले, ये आधी तू पहन ले, आधी मैं रख लूंगा। पजामा वो भी दे रही हूँ, समझ कर जा। ये भी दे रही हूँ। ये ले, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा सेट दूंगा तेरे को। ये ले, बहुत अच्छे। एक तरफ से पहन के खड़ा हूँ, एक तरफ से लोग इज्जत कर रहे, दूसरी तरफ से नानते दे रहे हैं। मैं तो इज्जत दे रही हूँ अपनी तरफ से भाई तेरे को। ये ले भाई, क्या क्या? ये चम्मच तेरा। हाँ। प्लेट मेरी, बराबरी होगी। ये ले, ये रही अब्बू की तस्वीर। ये मुझे दे दे, ये तो मुझे दे दे। ऐसी तो इज्जत आधे आधे होंगे। ये ले अब्बू की तस्वीर। ये ले कांधे तू ले ले, मुंह मेरे को ध्यान दे, बड़े अच्छे लगेंगे। आधा अब्बा तेरा बताऊंगा, ये मेरे कौन से अब्बा हैं? ये तेरी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर नसीम विक्की की तस्वीर लगा ले। बहुत अच्छे, लोग कहें नचनिए की औलाद है। तो फिर एक काम कर, उसकी लगा ले शकील सिद्दीकी की। ओ, इतना सुस्त बाप, दफा कर बे, इससे अच्छा तो यही सही है। ये नहीं तू, ये अम्मी की तस्वीर। ये तू ले ले, मुझकी वजह से बहुत जलील होता हूँ, तू ले ले, तू ले ले। अम्मी बगैर मेकअप की है, बगैर मेकअप की। ये तस्वीर देख के तो अब्बा मरे थे। ये ये ले, ये कोट पैंट मेरी, ये मेरा। हाँ। मैं बराबरी कर रही हूँ, तेरे को भी टू पीस होगा। ये ले मोजे और टोपी तेरी। अबे ओ, एक बात बता,
ये मोजे टोपी पहन के जाऊंगा, लोग मुझे मलंग नहीं समझेंगे। अच्छा, लोगों का फायदा है, सट्टे के नंबर लेंगे। एक मिनट, ये इसके भी दो हिस्से कर लेते। नहीं, इसके हिस्से नहीं होंगे। अगर इसके हिस्से हो गए तो ना तेरे हाथ कुछ आएगा ऐसे, ना मेरे हाथ कुछ आएगा। हम जितने भी हैं, हम सबको इसको बचा के रखना है। अगर ये रहा तो हम हैं, वरना हमारी पहचान नहीं होगी। फिर हम किस बात के लिए आपस में लड़ेंगे, मिलेंगे? अरे जब घर होता है तो एक दूसरे से मिलते हैं, घर होता है तो एक दूसरे से लड़ते हैं। बस घर की हिफाजत करो, हम सब एक हैं। तू कपड़े पहन ले, तूने जाना भी है, ये ले, जल्दी कर, जल्दी कर। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। भाई मत जा, तू पागल नहीं है, तू सही आदमी है। आखिर में बहुत अच्छी बात की, तू इधर ही रुक जा। नहीं, भाभी मुझे बोलती है, तुम्हें तो पता मेरी बचपन से नजर खराब है। वो कहती है मुझे तुम खराब नजरों से देख रहे हो। मैं रुक जा, मैं डॉक्टर को अपनी नजरें चेक करा के आऊंगा। जा, नहीं छोड़ दे मुझे, रुक जा, छोड़ दे मुझे, नहीं कर यार। जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? और इसी परफॉर्मेंस के साथ हमारी आज की एपिसोड भी यहीं ख़त्म होती है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे शो में थीम चल रही है बंटवारा, तो बंटवारा को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हमारी बाकी की चार टीम्स आपको परफॉर्म करके दिखाएंगी और आपको हंसाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगी। तब तक हमारे साथ रहिए, हमारा शो देखिए जिसका नाम है कॉमेडी किंग्स नया फंडा। अब अपनी होस्ट नताशा अली को दीजिए यहाँ से इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।